डरे उस वक्त से जब कराची के लोगों ने ये फैसला कर लिया कि अब हमें एहतसाब सड़कों पर करना है। जिस दिन कराची के लोगों ने ये फैसला कर लिया कि अब हमने अपनी जिंदगी का फैसला कराची की सड़कों पे करना है, तो आप यकीन जाने आप अपने इन चाको चौबंद दस्तों के साथ, इन प्रोटोकॉल के साथ, इस पुलिस के लश्कर के साथ भी आपका इस शहर में घूमना मुश्किल हो जाएगा। आज इस शहर के लोग स्ट्रीट क्राइम्स के हाथों यरगमाल बने हुए, आज इस शहर के लोग एक मोबाइल फोन के पीछे अपनी जाने गवा बैठते हैं, आज इस शहर के लोग, जिस शहर में किसी दौर में कम्युनिटी पुलिसिंग होती थी, आज आपकी पॉलिटिसाइज सिंध पुलिस, आज आपकी रिश्वत और भत्ते और पैसे देने के बाद लगने वाले आपके SHOs, इस शहर में स्ट्रीट क्राइम के मेरे हिसाब से मरकजी मुलजिम है, जिनका काम था इस काम को, इस कारकर्दगी को रोकना, लेकिन वो कैसे रोके, क्योंकि रोकने के लिए जो चीज चाहिए वो है किरदार, और किरदार में जब तक कद नहीं बढ़ता कोई बड़ा होता ही नहीं। हम इस बात पर क्लियर हैं कि के इलेक्ट्रिक की बदमाशी, के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग इस शहर से फिल फॉर खत्म होनी चाहिए। जो शख्स इस वक्त 8,000 रुपए महाना कमा रहा है, उसके घर में एक लाइट और एक पंखा मौजूद है, उसके घर में जब आप 80,000 रुपए का बिल ओवर बिलिंग के नाम पर भेजेंगे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि या तो वो खुद मर जाए या सामने वाले को मार के मर जाए। तो ये डरे हुक्मरान उस वक्त से जब कराची वाले ये फैसला करें कि हमें अब सड़कों पर आकर इन तमाम मामलों का एहतसाब करना है। 1-4 किलोमीटर का आपने ट्रैक ऑरेंज लाइन के नाम पर बनाया, और ऐसा ट्रैक जो सिर्फ जो औरंगी टाउन में बना है, और वहां के लोगों को भी वो ट्रैक मुस्तफीद नहीं कर पा रहा, वहां के लोग भी उससे इस्तेफादा नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो 4 किलोमीटर का ट्रैक ग्रीन लाइन तक को ज्वाइन नहीं करा, आधे किलोमीटर का उसमें भी फर्क है। अरबों रुपए खर्च करने के बाद आपने कराची को 4 किलोमीटर का ट्रैक दिया। जब मुस्तफा कमाल मेयर थे तो 75 नई बसें इस शहर में आई, 255 बस स्टॉप्स बने, 116 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बने। उन 75 नई बसेस में गवर्नमेंट ने, ये मैं आपसे लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जिस गवर्नमेंट ने अगर ऑन एवरेज 20 रुपए टिकट होता था उस बस का, उसको सब्सिडाइज करके 12 रुपए किया, 8 रुपए जो इसका लॉस होता था वो उस वक्त की लोकल गवर्नमेंट, जो KMC की गवर्नमेंट थी, वो बेयर करती थी, वो बर्दाश्त करती थी, जिसका सालाना खर्चा 5 करोड़ रुपए होता था। ये सहूलियात कराची वालों को मैसर थी। सैलाब में क्या आपकी कारकर्दगी थी, क्या सब खुलकर नहीं आया? माइंड यू, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से आपको वार्न करना चाहता हूं, हमारे लीडर ने इस शहर के लोगों में, शहरियों के दिलों में घर अपने काम से, अपनी कारकर्दगी से किया है। कोई ऐसी गुफ्तगु, कोई ऐसी बात जो मेरे कायद के खिलाफ होगी, भरपूर जवाब उसका देना हम जानते हैं और हम देंगे। और आज ये जवाब हम किसी लफ्जी गोलाबारी पर नहीं कर रहे, आज ये जवाब हम अपनी कारकर्दगी के ऊपर दे रहे, कि जिस तरह मेरे कायद ने इस शहर की खिदमत की, दिन रात जाग कर डिलीवर किया, जिस तरह इस शहर के साथ वफादारी की, हम इंशाल्लाह ये देखते हैं कि आने वाले वक्त में वो वक्त दूर नहीं है जब ऐवान में इंशाल्लाह पाक से जमीन पार्टी की, चाहे वो सूबाई ऐवान हो, चाहे वो वफाकी ऐवान हो, चाहे वो सेनेट का ऐवान हो, वहां पाक से जमीन पार्टी की नुमाइंदगी होगी। क्यों ऐसा हुआ कि 12 साल इस निजामत के गुजरने के बाद भी K4 जैसे प्रोजेक्ट पर तिनका बराबर भी काम नहीं किया गया, काम नहीं बढ़ाया गया, और K3 का प्रोजेक्ट, और इन 12 सालों के अंदर भी एक इजाफी कतरा पानी जहां आपने नहीं बढ़ाया, जहां पर जो पानी आता था उस पर भी आपने सरकारी और गैर सरकारी हाइड्रेंट्स बनाकर कराची वालों के ऊपर एक दफा फिर से खून मारने की कोशिश की, साजिश की। चाहे आप अस्पताल के हालात इस शहर में देखें, चाहे आप पार्क्स की सूरत हाल देखें, चाहे आप यहाँ स्कूलों का निज़ाम देखें, चाहे आप रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात देखें, हर तरह से ये शहर दिन ब दिन बतदरीज सिमते माकूस का सफ़र तय कर रहा है। कराची, जिसकी सिर्फ एक मार्केट लियाकताबाद की मार्केट इतना टैक्स देती है जितना पूरा लाहौर शहर इकट्ठा नहीं देता, ये है इस कराची की तारीख, ये इस कराची का हाल।